लाला का खून किसने किया? जी बड़े यादव ने। क्या लाला और बड़ा में कुछ लड़ाई हुई थी? जी हाँ, लड़ाई हुई थी। वो क्या है ना कि बड़ा अनंत सिंह के पैसे देने से मना कर रहा था, तो हमारे पति बहुत डर गए थे, इसलिए वो बड़े से जिद कर रहे थे कि अनंत सिंह के पैसे लौटा दे। कितना पैसा होगा? जी यही कोई 27 करोड़ के आसपास। इतना पैसा कहां से आता? जी वो हमें नहीं पता कहाँ से आता था, हमें बस इतना पता है कि वो लाते थे, हम गिन के रख देते थे बस। तुमने गोली क्या बात सुनी? जी हाँ सुनी थी। फिर क्या हुआ? फिर हमने देखा कि लाला की बॉडी को बड़े अपने कार की ट्रंक में डाल रहे थे। फिर तुमने क्या किया? हमने तो जी तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। तुमने कहां से देखा? छत से देखा हमने। छत पर कैसे पहुंची तुम? छत पर तो हम सो रहे थे ना जी। और लाला कहां सोए थे? और जी वो भी हमारे साथ ही छत पर सो रहे थे। बच्चा? बच्चा उस दिन किसी और के यहां पर सोने चले गया था। तो लाला कब उठे? वो तो नहीं पता। तो तुमने मर्डर होते नहीं देखा? कैसे डाल रहे थे? वो एक्सप्लेन करो। कंबल में लपेट कर डाल रहे थे जी। कंबल कैसे पकड़ा था? कंबल दोनों तरफ से पकड़ा था। ट्रंक कैसे खोला? वो बॉडी को नीचे रखा और फिर डाल दिया। एक दो बार रखा? हमने तो बस एक ही बार देखा था जी। 10-15 मिनट? जी वो अंदाजा नहीं है। तुम वेट कर रही थी? जी वो हमने बड़े की कार देख ली थी तो हम डर गए थे। पुलिस को फोन किया? कोई फोन आया था लाला को? जी उस दिन तो कई फोन आए थे लाला को। बब्बर का फोन आया था? ऐसा तो हमें कुछ याद नहीं है। बब्बर से डर लग रहा था? हाँ जी बहुत डर लग रहा था। लाला और बड़ा का रिलेशन कैसा था? भाइयों जैसा? जी भाइयों जैसा। जोर से बता, तुम्हें क्या लगता है, बड़े ने लाला को मारा?